शांतनु बोल रहे हैं, आप देख रहे शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया मैं वीडियो को बंगाली हिंदी एक ही साथ में बनाऊंगा वीडियो को, क्योंकि जो लोग देखिए, जो लोग आप लोग देख रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं चैनल के साथ, तो उसका कोई पर्पस होगा, कोई सवाल होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए दोनों भाषा में एक ही, जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो दोनों भाषा में हम सेंट मतलब ट्रांसलेट करके करते आगे बढ़ेंगे। तो और एक बात, बहुत लोगों ने पूछा जो फ़ोन करके, जो वो जो बर्ड्स ड्रॉपिंग का जो वीडियो है वो थर्सडे को रिलीज़ होगा, क्योंकि वो यूट्यूब में शेड्यूल में पड़ा हुआ है, थर्सडे को 3 बजे मतलब दोपहर को 3 बजे वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो आज ही आज हम बात कर रहे हैं। और एक बात फ्रेंड्स, वी प्लस के लिए जो ऑर्डर आप लोग देने वाले हो, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इस वीक में ही बना लूँगा। मेरा जो बनाया था वो मतलब भेज दिया, ख़त्म हो गया मेरे पास से। लेकिन और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है, देखिए अभी जो पोस्ट ऑफिस ऐसे नहीं था, कभी कभी हम बहुत दिनों से कुरियर कर रहे हैं, शायद 1.5 साल 2 साल हो गया कुरियर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, बहुत लोगों के पास वी प्लस या जो जो आपने ऑर्डर दिया था नहीं पहुँचा, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ का माल उधर उधर हो रहा है। इसीलिए आप लोगों की ये अवॉर्ड कर रहे हैं, आपका जो ट्रैकिंग आईडी हम भेज रहे हैं उस ट्रैकिंग को ट्रैक करते रहिए, क्योंकि अब लोग सोचेंगे अब ऑर्डर हमको दिया है तो हमने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन हम सभी का रिलीज़ कर दिया, अभी तक बहुत लोगों के पास पहुँचा नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रैकिंग आईडी के साथ ट्रैकिंग कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा होगा, ये आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को, आज का जो टॉपिक है, क्योंकि और एक चीज़, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ कोई भी ज़्यादा ज़रूरत लगे, बहुत सारे लोग उधर मेंबर्स हिसाब से जोड़ चुके हैं, तो वार्ड्स का केयर ट्रीटमेंट वाला ही चैनल है, तो ये डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो लिंक दे के आप ज्वाइन कर सकते हो उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही एक वैल्यूएबल मैटर के ऊपर, जेटा हमारे क्षेत्र बड़ो प्रयोजन जिनिस, जेटा होच्छे बेबी केयर, जेटा हमरा अनेक जरा ब्रीडर माने जिसका नॉलेज है नहीं है, सभी का ये पार्ट बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पार्ट है। सेजन अपना प्रत्येक स्किप करबेन ना, वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से देखिए आखिर तक, तो बहुत कुछ जो जो प्रॉब्लम है आप लोगों का वो सॉल्व हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, देखिए बेबी केयर के बाद कोई भी बर्ड्स के ऊपर हो, जे कोनो बर्डर बेबी केयर शुरू है फीमेल जखन एगलग शेष हलो, एगलैंग शेष हलो। हम उससे पहले क्या हो रहा है वो हम इस टॉपिक में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं बेबी केयर के लिए जो सिलसिला शुरू होता है। अभी हम ये लोग आप लोग बोल सकते हो, बोलते पारो जो माँ बाबा ही तो केयर को भी नहीं, उसका पेरेंट्स जो है वो अगर पहली बार है तो उसके लिए हम लोगों को भी उसको केयर करना चाहिए, नहीं तो बच्चा ज़्यादातर जो फ़ोन हमको मिलता है आप लोगों के माध्यम से, बच्चा एक्सपायर हो रहा है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है बच्चा को, तो हम क्या क्या करें कैसे करें, ये सारे चीज़ लगा रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ब्रीडर जो है जो शुरू कर रहे हो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पेशेंस ए लाइनर एक बड़ो जिनिस, पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेशेंस छोड़ के बार्ड ब्रीडिंग सेटअप पे और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जे जो जो चीज़ हम बार बार बोलते रहते हैं, आपके पास पैसा हो स्पेस अच्छे बट नॉलेज नहीं हुआ तो इस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सभी को, जितना भी वीडियो अब तक बना चुके हैं या आने वाले दिन में जितना भी वीडियो हम बनाएंगे वो हर वीडियो नॉलेजेबल हो, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को काम पे आए। तो बेबी केयर जो होता है उसका सिलसिला शुरू होता है, स्टेप शुरू होता है फीमेल जब एग लेइंग कंप्लीट करता है, क्योंकि फीमेल जब एग लेइंग करने के बाद जो डीम एग पे बैठता है तभी से उसका ट्रेस, उसका कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि वो खाना पीना थोड़ा सा इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब ठीक मतन खाए ना, असमय खावार नियमटा असमय हो जाए, फले सही समय थे के लीवर का
एंड डाइजेशन का मतलब हजम का मेडिसिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप प्रयोग करना शुरू कीजिए। जो जो आप लोग दवा सपोर्ट देना चाहते हो, जो लोग दवा नहीं सपोर्ट देना चाहते हो, तो हम लोगों के पास नेचुरल वे ये है, अजवान का पानी, जवानेर जल, पुदीना पातार जल, ये समस्त जिनिस। और मोटामोटी मिस करे हजम माने खिदेटा पावानोटा एकांत दरकार, मतलब उसका भूख हमेशा होना चाहिए, तभी जाके उठ के वो खाना खाएंगे और फिर आके वो एक लिंक करें। कुछ बाट का ये स्वभाव होता है, वो शिफ्टिंग करता है, मतलब मेल जदि खेते आसे फीमेल ता दे, फीमेल जदि खेते आसे मेल ता दे, मतलब ये हो गया मेल अगर खाना चाहते हो तो फीमेल एक पे बैठे है, अगर एक पे मेल बैठे हो तो फीमेल खाना खा रहे हैं। तो इसके ऊपर वो अब मतलब बॉन्डे की ये जो बोलता है ना बॉन्डिंग प्यार, बॉन्डिंग प्यार के जो बॉन्डिंग प्यार है उसमें ऐसे होता है। तो इसीलिए पहले से अगर हम फीमेल को एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई कर दे करके रखिए, तो उसका जब बच्चा आएगा तो केयर ज़रूर करेंगे। अभी मान लीजिए आपका बच्चा हैचिंग एग, फास्ट एग हैचिंग हो गया, फिर अभी से एक मेजर केयरिंग शुरू हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बंगाली एंड हिंदी में दोनों में ही बात करने के लिए, लेकिन जो लोग बंगाली में ज़रा बंगाली से वीडियो करने के लिए हमको बोला है, हम आप चाहते हैं, हम देखिए हमको सभी को देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ उसको नहीं, सभी को, जो जो चैनल पे जुड़ रहा है, चैनल पे जुड़ चुके हैं, सभी के मतलब लिए हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए थोड़े बहुत एडजस्ट कीजिए, क्योंकि एडजस्ट करने में कोई इसमें तो पैसा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा मतलब ये तो वीडियो है, आप स्किप करके मतलब स्टॉप करके पॉज करके भी पकड़ सकते हो बातों को, अगर नहीं पकड़ रहा है वो रनिंग अवस्था में। इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज़ किचू मन करबे ना, हिंदी एक कारण बनाची, कारण अनेक हिंदू माने हिंदू माने जरा बांगला बोझे ना तारा ऐड हो चैनल मध्य, किंतु ताराओ चाहे हमार कास थेके किछु उपकृत होक, तो सेखाने आमी तादेर वंचित करते पारबो ना, आपनादेरो आमार काछे सबाई समान, सेई हिसाबे आमी हिंदीतेई करछि, आमी चेष्टा करबो तार मध्ये मध्ये बांगलाके आगे निये जाबार। तो फिमेल जखन फार्स्ट एकटा हैचिंग करलो सेई समय थेके दिस टाइम टू मतलब हम लोगों का जो के मतलब जो होता है ना सीरियसनेस वो ज़्यादा हो जाते हैं हर ब्रीडर को, चाहे वो फिंच का ब्रीडर हो, चाहे वो लवबर्ड का ब्रीडर हो, चाहे वो बजिस का माने बोदरी पाखिर ब्रीडर हो, वा कॉकटेल का ब्रीडर हो, या कोई भी बर्ड्स का जो एग्जॉटिक स्पीसीज है उसका ब्रीडर हो, क्योंकि बहुत सारे मसला अभी शुरू होता है। मसला का मतलब हम बोलना चाहते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम अभी शुरू होने लगता है। क्या क्या प्रॉब्लम? खाना खाना मतलब कैसे फीट जाए, अगर नया नया प्यार हो मतलब फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं तो उसका कैसे खिलाना चाहिए, ये बर्ड्स का प्रॉब्लम होता है, कितने बार नया बेबी को खिलाना चाहिए, फिर हम लोग जो खाना दे रहे हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला है। देखिए इस टाइम पे ज़्यादातर नरम वाला खाना मतलब सॉफ्ट वाला खाना प्रोवाइड करिए, जैसे उगला हुआ चावल हो गया, मतलब राइस हो गया, जिसको भात बंगाली तो हमरा भात बोली, भात दिन, भातर संगे संगे एक फूड दिन, सीजन देखता हमने सीजनर माने सॉफ्ट फूड हजम करते, सॉफ्ट फूड हजम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि फीमेल और मेल खा रहे हैं तो उसके भीतर जाने के बाद वो खाना हजम हो जाता है थोड़े बहुत, फिर वो खाना बेबी को खिलाते हैं। फिर अगर हम लोग उसी टाइम से एक बात सभी को हम बोलना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, आपका सही मतलब एक बच्चा ले किया मतलब हैचिंग हुआ उसी टाइम से बच्चा जितना बच्चा आने वाला मतलब आएगा सभी को आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाइए। अगर एक बच्चा के अगर 30 ml पॉट है आपका पानी का, मतलब 30 ml जलर पॉट आछे, तो सेखाने मोटामोटी 6 ड्रॉप्स टू 5 टू 6 ड्रॉप्स हजमे मेडिसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चाहे पॉलीवियन एक्टिव हो या चाहे बी कॉम मतलब एम्बीप्लेक्स हो, कुछ भी हो उसमें डालिए। ये तब तक चलेगा माने ततदिन चलबे जतदिन बच्चा सेल्फ फीडिंग ना आसे, जब तक मतलब आपका बेबी बर्ड्स का बेबी सेल्फ फीडिंग में ना आ रहा है, क्योंकि इसी टाइम के बीच में ही मोर्टेलिटी जो काउंटिंग है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉप इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कॉप जेटा आछे सेखाने इन्फेक्शन हो जाए, कॉप नाली ते इन्फेक्शन हो जाए, सेटा माँ बाबा थेके क्यारि फरवर्ड है। तो दिस टाइम अभी एक
मैंने एक चीज़ आप लोगों को एक बना, मतलब बेबी केयर में और एक बार वीडियो हम बनाए थे क्यों बच्चा बेबी एक्सपायर कर जाते हैं, उस वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिएगा। नहीं है तो मेरा मतलब चैनल थोड़ा सा नीचे जाइए, उसमें मिल जाएंगे। एक टू नीचे गेली कैनो बेबी एक्सपायर करे সেই সময় কি করতে হবে আমি বলে দিয়েছি। কেন সেকেন্ড সময় হালকা অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স করানো দরকার, আদারওয়াইজ আপ লোক যে নিম কা পাতা হয় উসকো উবাল কে ভি আপ পিলা সকতে হো, তো উসকে ভিতর জো জার্ম হে জো ব্যাকটেরিয়া হে উম খতম হো জাতে, ফির বাচ্চা এক্সপায়ার নেই হোতা হয়। লেকিন হাম লোগো কো ইয়ে হজম কা মেডিসিন মতলব ইন ডাইজেশন কা মেডিসিন অর উসকে সাথ সাথ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কো লম্বা টাননা পড়েগা। फिर इस टाइम में जो जो केयर करना चाहिए, फर्स्ट है हर दिन चाहे कोई भी काम रहे बच्चा को चेक कीजिए, क्योंकि पाँच टो बच्चा हुए तो पाँच टो बच्चा कब भरा आचे कि ना, बच्चा कत खानी फिट करछे ना करछे, सेइगुलो केयरिंग करते हबे फर्स्ट। एबार धरुन जे पाखिर ज़्यादातर मतलब दो तीन बार क्लैच हो चुका है उसके लिए, मतलब वो सीख चुका है, उसका एक नॉलेज बन चुका है जो हमारा बेबी को कितनी बार फिट कराना पड़ेगा। और उसी टाइम खाने में या जो दाना दो या सॉफ्ट फूड दो कोई कमी नहीं होना चाहिए, ये बात पकड़ मतलब दिमाग में बिठा लो, कोई भी कमी नहीं हो चाहिए। ज़्यादा दो चाहे वेस्टेज हो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। और सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए, हार्ड फूड मत दीजिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मत। और एक चीज़ इसमें, इस टाइम में कोई भी फूड का एडिशन मत कीजिए, मतलब नतून कोनो फूड ऐड करबे ना, जो पुराने वाला हर साल पूरा साल जो खाते हैं बार्ड्स उसी फूड को घुमा फिरा के दीजिए। जैसे उगला हुआ चावल उसके साथ एक फूड दीजिए, थोड़ा सा वेजिटेबल्स दीजिए, मतलब कटिंग भुट्टा जो तो होता है भुट्टा छोटो छोटो भुट्टार दाना के बॉयल करे हो बा जले भिजिए होक सेटा, अल्प विस्तर गम के कल अनुजाई, अगर वो मतलब सर्दी का मौसम हो तो गेहूं को थोड़ा सा भिगो के दीजिए 24 आवर्स टू 12 आवर्स भिगो के दीजिए। अगर वो गर्मी का मौसम हो थोड़ा सा उसको एक बार थोड़ा सा टाइम, एक मतलब ज़्यादा नहीं, ये क्या बोलेंगे कैसे समझाएंगे, थोड़ा सा उबल के दीजिए, क्योंकि जो विंटर में अगर खाएंगे तो बर्थ का बॉडी हीट पे रहेंगे, और गर्मी में अगर थोड़ा सा उबल के दे बर्थ का बॉडी ठंडा रहेंगे। ये नियम है, कोई भी बड़ा जो ब्रीडर है उससे पूछ सकते हो या कोई भी वेटरनरी डॉक्टर को भी पूछ सकते हो। ये खाना और दाना जो है सीड्स जो है हमेशा, मतलब जब सॉफ्ट फूड दे रहे हो तब दाना मत दीजिए, सॉफ्ट फूड खाना हो गया 24 आवर्स, बाकी जो टाइम बचेगा सिर्फ प्लेन कागरी का जो घास का दाना होता है कागरी दाना उसके साथ कैनरी, अगर बजिस बर्ड हो मतलब बोदरी पकी हो फिंच बर्ड हो जाबा हो ये सारी चीज़, थोड़ा सा धान, अगर भात दे रहे हो तो धान मत दीजिए दाना में क्योंकि कॉप में अटक सकते हैं, थोड़ा सा कैनरी दीजिए, मतलब थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस करके दीजिए, वो हम समझ मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो वाला चीज़ कागरी दाना जिसको हम बंगाली में बोलते हैं घास वाला दाना उसके साथ साथ कैनरी दाना मिक्स करके, अल्लाह बर्ड्स को थोड़ा सा कुसुम दाना भी दे सकते हो उस टाइम पर, और थोड़ा सा ओट्स सनफ्लावर मत दीजिए क्योंकि वह दिए अगर गर्मी का मौसम में बच्चा हुआ तो या बारिश का मौसम में तो थोड़ा सा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है जो दवा नहीं यूज़ कर रहे हो, और जो दवा का मेडिसिन है वो चलेगा। अगर जो मेडिसिन के ऊपर सपोर्ट दे के चल रहे हो तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजमेर ओषुध टाना चलबे जतक्षण ना बच्चा सेल्फ फीडिंग है, जब तक ना बेबी आपका सेल्फ फीडिंग खुद खाना सीखे तब तक चलेगा। और 25 डेज के बाद बेबी का उम्र 15 to 25 डेज को होने के बाद बर्ड्स के ऊपर निर्भर करेगा, अगर फिंच बर्ड का अलग होगा बजीज का अलग होगा लव बर्ड्स का, कैल्शियम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए क्योंकि उसका जो फेदर बोन से लेग बोन से चोंच है सभी आहिस्ता आहिस्ता टफ होते रहे, मतलब वो स्ट्रांग होते रहेंगे, ये नियम है, ये हम खुद पालते हैं। इसीलिए आज तक मेरे एवियरी में कोई भी फिंच का हो चाहे वो लव बर्ड्स का हो चाहे वो किसी का भी बर्ड्स हो जितना बर्ड्स मेरे पास है बच्चा एक्सपायर नहीं होता है, मतलब 6 टो फर्टाइल है तो 6 टो ही, मतलब छोटा डिम जमे तो छोटा डिमी बच्चा हमारे सेल्फ फीडिंग आसे मरवार को चान्स ही नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं। हर रोज़ बॉक्स को या मटकी को चेक कीजिए, बजिश में इसमें क्या होता है, बजिश में बहुत बीडर आप लोग अपना फ़ोन करें जो बजिश से पॉटी हो जाए, तो अभी शुरू में अगर जो जो खाना वो खाने के ऊपर और वेदर के ऊपर निर्भर करते, लेकिन आज तक झूठ नहीं
ऑन गॉड बोल रहे हैं, बजीज का जो ये आप लोगों का जो प्रॉब्लम है मैं कभी फेस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में हजम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमेशा से हम पूरा दिन से लिए। और जब पानी जब बदलो प्लेन पानी मत दीजिए, मतलब 2-3 घंटे के लिए पानी रखा फेंक दिया फिर वही वाला मिक्सचर वाला पानी दीजिए, क्योंकि गैप मत दीजिए। उस टाइम का बहुत ही सीरियस टाइम होता है बर्ड्स के बेबी के लिए। फिर कॉप चेक करना पड़ता है हर रोज़ हर दिन हर टाइम, जब जब टाइम मिले कॉप जाके चेक कीजिए। ज़्यादा हाँ बड़े वाला बर्ड में ज़्यादा डिस्टर्ब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ एक बॉन्डिंग हो जाता है, हमारे साथ यदि पाखिर एक बॉन्डिंग थके তাহলে আমরা কিন্তু পাখির বাচ্চা চেক করলে অসুবিধা হয় না। বাট জ্যাদাতার প্রবলেম হতো শান কানুর মে গ্রে প্যারোট মে বড়া যো যো এক্সপিরিয়েন্স বার্ড হ্যাঁ ও পছন্দ নেই করতে হয় জ্বালা মতলব ডিস্টার্ব ইয়া কুচ ইনভলভমেন্ট যো আপনার বার্ড কো বার বার দেখে ফির ভি হাম লোগোকো কেয়ার কেয়ারফুল রাখনা চাই না আঁখ নাক আর কান তিনো কো ওপেন রাখি উস টাইম মে ফির ভি আগর কুচ প্রবলেম হুয়া তো ইয়ে বার্ড হমেশা সে হাম বলতে আ রহে হ্যাঁ আমরা যারা বার্ড ব্রিডার অ্যান্ড বার্ডস লাভার যারা ব্রিড করাচ্ছি, যে লোক হাম লোক ব্রিডার হ্যাঁ হর কিসি কো এক ব্রিডিং ফার্মুলা ঘর মে হোনা চাইয়ে অর এক মতলব অর এক নেই অর কেসে ব্রিডিং মতলব সরি হ্যান্ড ফিট করবা করনা না করবানা হ্যাঁ ও শিখনা চাইয়ে, কিউকে ইস টাইম মে চাল মান লো ছোটো বাচ্চা কা জনম হুয়া মা বাপ দুটো বাচ্চা ইয়া তিনটো বাচ্চা কো খিলা রে তিনটো কো নেই খিলা রে হো সকতা হ্যায় পহলি পহলি বার জব বার্ড ব্রিডিং মে আতা হ্যায় নয়া নয়া মতলব জব উসকা নলেজ সহি নেই হ্যাঁ হর বার্ড কে লিয়ে নেই বোল রহি হুঁ মেরা জো ক্যাপটিভিটি মে জো বার্ড হ্যায় পহলি বার হুয়া লেকিন উসকে ভিতর এক্সপিরিয়েন্স হ্যায় ইসিলিয়ে কিউঁকি বার্ড কে ভিতর জো এক্সপিরিয়েন্স হোতা হ্যায় না ও বহুত হি এক ভ্যালুয়েবল চিজ হ্যায় জো উসকো বাচ্চা কো কেসে পালে সিফ উস টাইম মে আগর বার্ডস আপনা বাচ্চা খুদ পাল রহে হ্যায় सही रंग ढंग से सही रास्ते से तो सिर्फ आपका काम रह जाएगा बर्ड्स को चेक करना डेली, खाना सही प्रोवाइड करना मतलब क्लीन वाला खाना प्रोवाइड करो साफ वाला खाना, मेडिसिन का सपोर्ट उस टाइम ज़्यादा होना चाहिए मतलब कमी नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स जब सॉफ्ट टूथ दे रहे हो वही समयटा छेड़े दिए, जब आप दाना सीड्स दे रहे हो रात में भी सीड्स रहेगा, क्योंकि पंछी का एक नियम है कोई भी चाहे वाइल्ड में रहे या कैप्टिविटी में रहे रात 11 या 11:30 बजे और भोर में मतलब 4 AM मतलब भोर में वो बच्चा को खिलाते उस टाइम में खाना नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए पानी बदल के प्लेन पानी कभी मत दीजिए, ये करके देखिए फ्रेंड्स, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्रमाण मिल जाएंगे, कोई भी किसी की बात का बात हम बोल रहे हैं। हाँ फेंज का जो डोज होगा लबर्ट का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कॉकटेल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड हजम का मेडिसिन वो हमेशा शुरू से रहेगा जब तक बार्ड्स आपका सेल्फ फीडिंग में, हर कोई बार्ड जो जो नया नया जन्म ले चुका है आज तक क्या होता है एक बार्ड्स जन्म लिया फिर एक दिन बाद इस बार ऐसे करके जितना बार्ड्स आएगा आपका डोज भी थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, एक ही डोज मतलब एक बार्ड्स के पीछे जैसे शुरू में हम दूसरे लाइन ट्रैक में चला गया, अगर 30 ml वाटर में 6 ड्रॉप दे रहे हो एक बच्चा ये माँ बाप के पकड़ के तो उस टाइम 12 ड्रॉप्स दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी कम दीजिए, थोड़ा सा पानी कम दीजिए 30 ml का 25 ml दीजिए, लेकिन दवा उसमें टाइम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाद जब पानी पियेंगे तो दवा तभी जाके शरीर में काम आएंगे। तो ये फॉलो कीजिए, अब खुद देखिएगा अगर पिछले सीजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है आने वाले दिन में नहीं होगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा चीज़ है मानने वाला चीज़ है और ध्यान देने वाला चीज़ है वेदर, आपका सेटअप में वेदर उस टाइम कैसे है, इसीलिए फेंस जाबा कोई भी बार्ड्स का कुछ मसला हो एक बल्ब हमेशा से या कोई भी हीट का प्रोसेस हमेशा से आपका केज में सेटअप में लगा के रखिए, यूज़ मत कीजिए ज़रूरत पड़े तभी यूज़ कीजिए, क्योंकि कब मौसम बदल जाए कौन वेदर बदले जाए বৃষ্টি হবে বিশেষ করে এই সময়টা গরম এবং বর্ষাকালে, শীতকালে টেম্পারেচারও আপ ডাউন হয় বাট ও যো আপ ডাউন হতা হ্যাঁ ও ঠান্ডা কে মৌসুম মে জাদা হ্যাঁ কবি কবি আবি যো আবি দিন কাল যো পড় রহা হ্যায় শীতকাল মে ভি মতলব উইন্টার মে ভি গরমি মহসুস হতা হ্যায় তো হর কাল কে লিয়ে হর টাইম সিজন কে লিয়ে এক চিজ হাম লোগো কে পাস হমেশা হোনা চাহিয়ে ও হিট ভালা মশলা চাহে ও বাল্ব সে হো ইয়া রুম হিটার হো কুছ ভি হো
जिसका जो कैसे कैपेसिटी है उसी के हिसाब से अपने सेटअप के पास में रखिए, ज़रूरत पड़े तो यूज़ कीजिए। क्योंकि बर्ड्स का जो बेबी है, कोई भी बर्ड्स का बेबी का ग्रो करने के लिए, फेदर ग्रो या बेबी को ग्रो करने के लिए 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ते हैं। फिर भी अगर बर्ड्स अगर फीड नहीं करवा रहे हैं, यदि माँ बाबा ना खवाए तो हमारे हैंड फीड नहीं ही हमें हम लोगों को हैंड फीड में लेना पड़ेगा, तभी जाके एक बास्केट या एक बिस्किट का जो कार्टून होता है ना वैसे क्रिएट कीजिए, उसमें थोड़ा सा पेपर डालिए, क्योंकि पेपर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बदलने में भी सुविधा होगा। पेपियर आप जो समझते हो उसी से हिसाब से, और एक बल्ब हीट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, चाहे कोई भी काल सीजन में हो। शीतकाल में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, गर्मी का मौसम में, ये विंटर सॉरी रेनी सीजन में थोड़ा सा कम, लेकिन ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि केज का जो मौसम होता है और हम लोग जो बाहर निकल के जहाँ रखना चाहते हैं खुद के घर का हिसाब से, वह टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो, टेम्परेचर हो सकता है कम हो। ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं होता है उसका, में उसके लिए भी सेटअप को थोड़ा सा ठीक क्लीन रख, मतलब ऑक्सीजन का कोई कमी ना हो, ऐसे ज़्यादा उसमें ढाको मत, थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन होने दो। लेकिन टेम्परेचर अगर कम है थोड़ा सा बल्ब जला के या थोड़ा सा रूम हीटर में ऐसे करके आप कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा। तो ये है पूरा बेबी बर्ड्स का जो केयर है। फिर भी हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब बर्ड्स सेल्फ फीडिंग में आ रहे हैं तो उससे पहले सॉफ्ट फूड खिलाना सिखाइए, जो जो माँ बाप को खिलाते हो कोई भी सॉफ्ट फूड हो, उस टाइम सूप भी पिलाना सीखिए। क्योंकि बर्ड्स का जो बेबी होता है, हाँ बजीज का बोलते बोलते हम छोड़ दिए, बजीज का जिसका पॉटी का मसला है तो उसी पानी में थोड़ा करके दवा तो हजम लीवर और बी कॉम्प्लेक्स तो चलेगा ही, उसके साथ साथ एक दिन छोड़ के आप थोड़ा सा नॉन मेट्रोजिल सिरप, ज़्यादा नहीं 4-5 ड्रॉप बच्चा के हिसाब से, उस टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, हम डोजेस बता देंगे कितना ml पानी में कितना। वो करने से आपका वो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम या आपका वो डायरिया का या लूज मोशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है पूरा। और शीतकाल में लाभ बर्ड्स का जो प्रॉब्लम होता है जब बेबी जन्म लेता है, अगर पॉक्स में बहुत दूर रहिए, क्योंकि पॉक्स का जो सीज़न है वो फेबररी से ही शुरू हो जाता है जब जुलाई तक, क्योंकि उस टाइम अगर पॉक्स माँ बाप को लग गया तो बच्चा को कोई नहीं बचा सकती। इसलिए उस टाइम में केयरफुल, मतलब ब्रीड जब घर में ब्रीड हो रहा हो तो उस टाइम में बाहर का आदमी को अलाउ मत कीजिए, बाहर कोनो मानुष के ढोकानों कोनो परमिशन देने ना, तथा से जाई भावुक ना करो, अब खुद जाइए। क्योंकि जैसे छोटा बर्ड हो या बड़ा बर्ड हो, ब्रीडिंग टाइम में, ब्रीडिंग सीजन में जब वो ब्रीड कर रहे हो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मतलब अननोन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्योंकि सोचो मेटिंग कर रहे हैं तो अननोन फेस देखो तो डर जाएंगे, डरने के इधर उधर भागेंगे, एग बाइंडिंग हो सकता है अगर फीमेल एग लोडेड है तो, या धक्का लग के एक टूट भी सकता है, एक्सपायर हो सकता है, फिर बीड बड़ा बर्ड्स जो है तो बीड पे ही नहीं आएंगे। इसीलिए ब्रीडिंग टाइम में थोड़ा सा प्राइवेसी कोई भी बर्ड्स को देना चाहिए। आप खुद जाइए, आपके साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो खुद जाइए, खाना पानी बदल दीजिए, केज परिष्कार कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए देकर चले आते नहीं, थोड़ा देर वेट कीजिए तो उसमें बॉन्डिंग क्रिएट होता है बर्ड के साथ, आपको देखेंगे, आपका वॉइस सुनेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ये बार बार हम करते ही है, हम कुछ ना करें तो थोड़ा सा वॉइस देखे क्या कर रहे हो, बर्ड्स को ही बोली कि कुछो क्या की कुछ, ये जो वॉइसटा वरा सुन से इतने उधर मध्य एक बॉन्डिंग हमारे संगे तैरी है। तो ऐसे करके आगे बढ़िए, कुछ मसला नहीं होगा। और जो जो हम बोला उसको फॉलो कीजिए, आप खुद महसूस करेंगे, फ़र्क महसूस करेंगे, जो पिछले साल हुआ था अभी जो ब्रीडिंग का साल आ रहा है उसमें फ़र्क कितना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होगा। तो आज इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन कीजिए। नमस्कार।